क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब उतना हार्ड भी नहीं था और ज्यादा हल्का भी नहीं था। रीजनिंग जो था एकदम आसान था, 5 के 5 मार दीजिएगा कोई मार। तो 20 को था ना, 80 में 80 मार दिए, 60 को मारे, उसमें 60 प्लस सही कैसे? नहीं 80 मारे हैं ना। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं बाहर एग्जाम देकर, उनसे बातें करते हैं कि आज का पेपर क्या कैसा रहा उनका। और आज ना वीडियो में थोड़ा डिफरेंट तरीके से शूट करने वाले हैं, और वो इस जॉब की तरफ क्यों आना चाहते हैं वो सब भी सवाल करेंगे। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा कितने बनाए? 19 मेरा छूट गया। 19 को कैसी क्या से छूटा? मैथ से छूट गया। मैथ से छूट गया, तब तो आप एक ही को बना पाए मैथ में? मैथ में हाँ एक ही बनाया, बाकी सब बना दिए हैं, बस 19 छूटा। काहे छूटा, टाइम नहीं था? हाँ टाइम थोड़ा कम, टाइम की वजह से छूट गया। यानी टोटल आप 61 अटेम्प्ट कर लिए जी, कितना सही हो जाएगा उसमें से? हो जाएगा 55 तो सही हो जाएगा, 55 सही हो जाएगा, तो अच्छा एक्यूरेसी से आपने बनाया। क्वेश्चन आपको कैसा लगा, लाइक रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा लगा, जीएस का क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा था, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब उतना हार्ड भी नहीं था और ज्यादा हल्का भी नहीं था। ज्यादा हल्का भी नहीं था, मतलब तो आप ट्रिकी क्वेश्चन होता है ना वही था। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन। अच्छा जीएस में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए? जीएस में जैसे कि मतलब 2023 में कुछ हुआ था ना प्रधानमंत्री विवा, जो अंतरराष्ट्रीय कुछ महिला अच्छा, खेल होता है विवा, अच्छा, वो किस देश का था अच्छा, यही सब क्वेश्चन। संतुष्ट हैं एग्जाम देके? जी हाँ संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं, चलिए हम आशा करते हैं आपके सफलता के लिए, शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हो गया, कैसा रहा? अच्छा रहा। कितने बनाए आप? 65। 65 हो गया, बढ़िया एग्जाम था, बढ़िया है। हाँ कितने क्वेश्चन किए आप? हम 85 क्वेश्चन किए। 85? हाँ 85 को कैसे कर लिए महाराज? 80 को क्वेश्चन को था। हाँ नंबर बोल रहा होगा सर, नंबर 85 बनाया, नंबर कम कर दिया, 85 नंबर का। हाँ अच्छा, वही ना, हम भी शौक हो गए, क्वेश्चन तो 80 को था। 80 को था, ठीक है। तो कितना 80 में अटेम्प्ट किए? क्या जी? क्वेश्चन 80 में कितना बनाए आप, अटेम्प्ट कितना? 63 ऐसे कुछ बनाया। 80 में 80 मार दिए, 80 में 80 बना दिए आप, सब आसान लगा? हाँ इजी था, इजी था सर। हाँ जीएस में रिक्स लिए थे 4 से 5 क्वेश्चन, और हिंदी में भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उसको अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि 1/8 नेगेटिव मार्किंग है तो कोई फायदा ही है, इससे नुकसान तो होगा ही नहीं। ये सोच करके आप पूरा अटेम्प्ट कर दिए, और ये रीजनिंग भी अच्छा है, रीजनिंग 19-20 आराम से कर लीजिएगा, और ये मैथ में भी है जो 15 आराम से कर लीजिएगा, 15-16 हम भी किए उतना ही, और चार से तीन क्वेश्चन ऐसा था जो हमसे नहीं बन रहा था तो उसको भी हमने मार दिया। तैयारी एकदम पक्की होगी तभी तो 80 अटेम्प्ट करेंगे। अभी मेरा 4th अटेम्प्ट है, और इससे पहले हम 3 बार मेरिट से छठे थे। अच्छा 19 वाला में भी छठे थे, जो इसका 21 में मेरिट लगा था शायद फरवरी में किया था। अच्छा। और 22 वाला और फिर 23 वाला में भी छठे, इस बार देखिए इस बार होना चाहिए। नहीं इस बार हो जाएगा आपका। अच्छा सर थोड़ा गाइड करिए नया बच्चों के लिए, जैसे आप 4 बार मेरिट से छठे हैं, कैसे तैयारी करें एसएससीडी के लिए थोड़ा बताइए ऑडियंस को। मेन है ना कि इसमें मैथ जिसका है ना अच्छा वो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। मैथ और जीएस हाँ ये जो जिसके पास है उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार हम जो छठे थे ना तो जीएस के वजह से छठे थे। अच्छा। जीएस में मेरा लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सही हुआ था, और मैथ में भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सही हुआ था, और इसको हम कुछ इस बार बढ़ाए हैं तो मैथ तो सब पढ़ लेता है, जीएस कैसे पढ़ेगा बताइए। जीएस को रोजगार भी अंकित है ना, उससे हम पढ़े थे यूट्यूब से, और फिर एक रामबाण स्टैटिक जीके है बुक, वो बुक पढ़े थे हम, हो जाएगा उससे। हाँ बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कट ऑफ बताइए कितना तक जा सकता है? कट ऑफ तो जाएगा ही, क्योंकि इतना इजी आ रहा है पेपर तो कट ऑफ तो जाएगा ही, हाई रहेगा। हाँ। रहेगा कितना नंबर तक बताइए? वैकेंसी इंक्रीज हुआ तो अच्छा बात है, फिर भी कितना नंबर तक जाएगा? कट ऑफ है बिहार में लगभग तो 115 तो प्लस रहेगा, 115-120 के बीच में रहेगा। धन्यवाद आपका, वो सिलेक्शन एसी वालों का कम ही रहेगा। अच्छा चलिए आपको शुभकामनाएं। ठीक थैंक यू। एग्जाम तो ठीक गया, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ वही 3 महीने की तैयारी था, 12th का एग्जाम दिया था जल्दी में ना। अच्छा अच्छा, तो वही मैथ और रीजनिंग सिर्फ कंप्लीट था, मैथ रीजनिंग और हिंदी जीके जीएस पढ़े नहीं थे थोड़ा भी। अच्छा कितना वैसे बनाए टोटल क्वेश्चन? 62। हाँ अच्छा, मतलब सब जीएस वाला सब छोड़ दिया? जीएस सब छोड़ दिया, दो को बस बनाए हो गए। हाँ अच्छा, पहली बार कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो? हाँ, जीवन में पहली बार कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। अच्छा
देना चाहिए या मैसे बाहर से लोग बोलते हैं कि नहीं मतलब बहुत हार्ड है सरकारी नौकरी, लेकिन हार्ड नहीं है उतना। अच्छा अच्छा, इतना लोग बोलते हैं नहीं। अभी तो आप पहली बार देर एक्सपीरियंस करेंगे तो हाँ वही हार्ड। चार महीना में जैसे पढ़ के बताया ना हो तो लग रहा था कि और मतलब साल पढ़ता तो हो जाता। क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरिट बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरिट तो अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए, आपने सर जैसे आप 12वीं पास किए हैं जस्ट? हाँ जस्ट पास किए। आपने जस्ट सरकारी नौकरी की तरफ क्यों रुख बनाया और कुछ क्यों नहीं करने की कोशिश की? लाइक देखिए जो फौजी लोग का वो रुतबा ही अलग है। अच्छा, तो इसलिए मैं यही सुना, बीए में नाम भी नहीं लिखवाया इसीलिए कि जीडी में ही जाने का है स्पेशल। अच्छा अच्छा, मतलब आप तो आर्मी जीडी यही सब? आर्मी अब चार साल का किया तो कौन जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा, जीडी में जाने के लिए प्लान? जीडी में पूरा प्लान बनाया जाने के लिए। कितने तक लग रहा है सही हो जाएगा 62 अटेम्प्ट किए? 62 किए तो उसमें दो या तीन गलत होगा बस, फिर भी नहीं मेरिट बनेगा, बहुत हाई जाएगा इस बार मेरिट। 130 है उसका ही हो सकता है, इससे कम वाले का नहीं होगा। अच्छा, मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस दिखे थे आपको? मैथ में देखिए एक तो था इससे चक्रवृद्धि ब्याज से था, कंपाउंड इंटरेस्ट से, और परसेंटेज से नहीं था, और जैसे सिंप्लीफिकेशन से दो तीन सवाल था। ओके, और था आपका ये हो गया, और इससे मेरा था परसेंटेज से था, एक परसेंटेज से एक ही सवाल पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। एग्जाम सही था, सही क्वेश्चन कोई खास नहीं था, कोई खास नॉर्मल ही था। नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस आप बनाए कितना? 45 बनाए। 45 से हो क्यों? सॉरी 55। अच्छा, आपको आसान क्या लगा? हिंदी हाँ। और सबसे मीनिंग जो था एकदम आसान था, 5 के 5 मार दीजिएगा कोई मार। तो 20 को था ना? नहीं नहीं, हिंदी में जो था ना, हिंदी का गदांश था वो वाला 5 था, एकदम आसान था। अच्छा, गदांश 5 नंबर का आया था, 5 जो क्वेश्चन था, 5 को था, 10 नंबर का था। अच्छा अच्छा, वो एकदम सही था। अच्छा ठीक है, और सबसे मुश्किल क्या लगा आपको? यही थोड़ा सा मतलब मैथ में जो है थोड़ा घुमा दिया, ज्यादा मोड़ दिया है। अच्छा, घुमा क्या दिया? मतलब कैलकुलेशन ज्यादा कर दिया? कैलकुलेशन ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया है। टाइमिंग कम है, कैलकुलेशन ज्यादा है। अच्छा, कितना सही हो जा रहा है लग रहा है 55 में? 48 हो जाना चाहिए। 48, चलिए हम ज्यादा ही सही हो आपका। ऑल द बेस्ट। चलिए चलिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया। मजा आया पेपर देने में? बहुत मजा। तो जीवन में पहली बार दे रहे थे या पहला अटेम्प्ट है? हां, पहला अटेम्प्ट था। मतलब पहली बार कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिए हो? अच्छा अच्छा, एक थोड़ा सा ऐसे ही आसान सा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, वाई तुमने चूज क्यों किया गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने के लिए? क्योंकि मैं इतनी जैसे कोनो फार्म भर रहे थे ना, इसका ज़्यादा हम मेरा इतनी नंबर आ रहा था। अच्छा, जीडी में ये जाने का। 10-12वीं तो अभी एग्जाम दिए होगी या पास किए होगी? हाँ। तो जैसे और जो कोई ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सोचते हैं आगे, या फिर कुछ अलग फील्ड में जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन आप पार्टिकुलरली केवल एक गवर्नमेंट जॉब में ही जाने के लिए आप तैयार क्यों हो रहे हैं? ये कुछ तो कारण होगा ना? क्योंकि ये बचपन का सपना है। सरकारी रुतबा अलग होता है, अलग भौकाल ही होता है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बताओ कितना अटेम्प्ट की टोटल? क्वेश्चन 80 था, 80 में कम से कम प्लस 60 मार रहे हैं। 60 को मार रहे हैं, कितने सही हो जाएंगे लग रहे हैं? 60 प्लस सही होना चाहिए। हाँ, 60 को मारे हैं, उसमें 60 प्लस सही कैसे? नहीं, 80 मारे हैं ना। अच्छा, 80 में दो क्वेश्चन छोड़े हैं। अच्छा, 78 को, 78 को, 78 में 60 प्लस होना चाहिए सही। अच्छा, तब बढ़िया है। अच्छा, जीएस में कितने क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन था? जीएस में ये सब था, बढ़िया क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स वगैरह थे, 60 प्लस सही हो जाएगा है ना? तब आपका मेरिट के चांस है बनने का। हम आशा करते हैं आपका और भी ज़्यादा सही हो, शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, सो ये अपडेट रहा आज के पेपर का। पेपर अच्छा है, मतलब नॉर्मली पेपर है, कोई घबराने की बात नहीं। आगे जो कैंडिडेट आएंगे तो इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए पटना लाइट, एंड थैंक यू सो मच।